कुछ दिनों पहले UIDAI की तरफ से एक अपडेट किया गया था आधार करेक्शन को लेके, और उस अपडेट के आने के बाद मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। काफ़ी लोगों ने ये सवाल पूछा है कि अब आधार कार्ड में करेक्शन करने का नया प्रोसेस क्या होगा, अब किस तरह से आप अपने आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन कर सकते हैं। कुछ टाइम पहले तक आधार कार्ड में करेक्शन करने का जो प्रोसेस था वो काफ़ी सिंपल था। आप ऑनलाइन ही अपने आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन कर सकते थे सिर्फ आधार OTP के थ्रू, लेकिन काफ़ी लोगों ने इसका मिसयूज़ भी किया। तो जब UIDAI ने इस चीज़ को नोटिस किया कि काफ़ी लोग जो है अपने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के अपलोड कर रहे हैं और आधार कार्ड को अपडेट करवा रहे हैं, तो यही देखते हुए UIDAI ने जो है आधार करेक्शन को ऑनलाइन पूरी तरह से बंद कर दिया। हो सकता है कि इन फ्यूचर दोबारा इसको स्टार्ट किया जाए न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ, लेकिन फिलहाल के लिए जो है अभी बंद कर दिया गया है। अब आप अपने आधार कार्ड को किस तरह से करेक्शन कर सकते हैं, नया प्रोसेस क्या होगा, इस वीडियो में मैं आपको यही डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप माई आधार पोर्टल में यहां से लॉगिन करके कोई भी करेक्शन ऑनलाइन ही कर सकते थे, लेकिन अभी उस प्रोसेस को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। तो मैं आपको एक बार पहले दिखा देता हूं, जहां से आप पहले करेक्शन करते थे वहां पर अभी क्या ऑप्शन दिखा रहा है। तो मैंने ओपन कर लिया है माई आधार पोर्टल। इसका URL है myaadhar.uidai.gov.in। इसका लिंक आपको डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे, यहाँ पर ये कैप्चा कोड फिल करेंगे जैसा लिखा हुआ है, सेम टू सेम फिल कर देंगे। इसके बाद सेंड OTP इस पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड किया जाएगा। OTP डालने के बाद लॉगिन करेंगे। इसके बाद आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे माई आधार पोर्टल में। यहाँ पर आपको आधार कार्ड से रिलेटेड सभी सर्विसेज मिल जाती है। यहाँ पर आप अपने आधार कार्ड की डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं और यहीं से अपने आधार कार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहीं पर पहले जो है आधार कार्ड को अपडेट करने का भी ऑप्शन आता था, अभी यहाँ पर जो है सिर्फ एड्रेस अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन पहले यहाँ पर आधार अपडेट का ऑप्शन आता था। तो अभी सिर्फ जो है आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस ही चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई अदर करेक्शन करना है तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हियर टू अपडेट द एड्रेस ऑफ योर आधार। अगर एड्रेस अपडेट करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करें। फॉर एनी अदर अपडेट काइंडली विजिट नियरेस्ट आधार सेवा केंद्र। अगर आपको कुछ और अपडेट करना है एड्रेस के अलावा तो आपको अपने नियरेस्ट आधार सेवा केंद्र में विजिट करना होगा। तो उसका मैं आपको कम्प्लीट प्रोसेस आगे दिखाऊंगा। अभी यहाँ पर हम एड्रेस अपडेट इस पर ओके करेंगे। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, अपडेट आधार ऑनलाइन और दूसरा है हेड ऑफ फैमिली बेस्ड एड्रेस अपडेट। चलिए हम यहाँ पर पहले वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे, प्रोसीड टू अपडेट आधार इस पर ओके करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको सभी ऑप्शन दिए गए हैं, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और एड्रेस। लेकिन यहाँ पर नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर आप इन तीनों में से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ एड्रेस को सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो बाकी के जो ये तीन ऑप्शन है इनको हटा दिया गया है। बाकी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपके नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर के जो अटेम्प्ट से मतलब कितनी बार और आप अपडेट करवा सकते हैं वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि नेम में अभी हमारी दो बार की लिमिट बची हुई है, दो बार हम अभी नेम को अपडेट कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ को एक बार अपडेट कर सकते हैं और जेंडर को भी एक ही बार अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि कितनी लिमिट आपकी बची हुई है। लेकिन अगर आपको इन तीनों को करेक्शन करना है तो आपको अपने नियरेस्ट आधार सेंटर में ही विजिट करना होगा। तो आपके नियरेस्ट जो भी आधार सेंटर पड़ता है उसकी डिटेल्स और उसका एड्रेस निकालने के लिए आपको जो है myaadhar.uidai.gov.in इसी वेबसाइट के होम पेज पर आ जाना है जहां से हमने लॉगिन किया था। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, लोकेट इनरोलमेंट सेंटर, इस पर ओके करेंगे। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, आप स्टेट वाइज देख सकते हैं, पोस्टल पिन कोड के थ्रू चेक कर सकते हैं और सर्च बॉक्स के थ्रू भी आधार सेंटर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे पोस्टल पिन कोड, यहाँ पर अपना पिन कोड डालेंगे, यहाँ पर इस बॉक्स को चेक कर देंगे, शो ओनली परमानेंट सेंटर। तो जो भी परमानेंट सेंटर्स होंगे वही सिर्फ आपको शो होंगे। इसके बाद यहाँ पर ये कैप्चा फिल करेंगे, लोकेट ए सेंटर, इस पर ओके करेंगे। तो आपके पिन कोड पर जितने भी आधार सेवा केंद्र चल रहे होंगे सभी की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर आप जो है कम्प्लीट एड्रेस देख सकते हैं और यहाँ पर लास्ट अपडेट देख सकते हैं कि लास्ट अपडेट कौन सी डेट में किया गया है। तो यहाँ से आप एड्रेस लेंगे और अपने नियरेस्ट आधार सेंटर पर चले जाएंगे। एक तो ये ऑप्शन हुआ। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो है ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करके जाएंगे तो इसमें आपका ये फायदा होगा कि आपको जो है दोबारा से आधार सेवा केंद्र पर विजिट नहीं करना होगा, एक ही बार में आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट आधार सेंटर पर जाते हैं तो वहां पर आपको जो है वो टाइम दे देते हैं या फिर जो है कोई भी प्रॉब्लम आपको वहां पर बता सकते हैं। तो बेटर ऑप्शन यही है कि अगर आप एक ही बार में काम करवाना चाहते हैं तो अपनी अपॉइंटमेंट ऑनलाइन ही बुक करके जाएं। तो अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको माई आधार पोर्टल के होम पेज पर ही आना है। इसके बाद यहाँ बुक एंड अपॉइंटमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर ओके करेंगे। आधार सेंटर से आप ये सभी काम करवा सकते हैं, जैसे कि आप एक फ्रेश आधार इनरोलमेंट करवा सकते हैं, मतलब नया आधार कार्ड बनवा सकते हैं,
नेम अपडेट करवा सकते हैं, एड्रेस अपडेट, मोबाइल नंबर अपडेट, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, बायोमेट्रिक जैसे कि फोटो, फिंगरप्रिंट या फिर आइरिस, तो ये सभी अपडेट्स आप आधार सेंटर पे जाके करवा सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक तो वो आधार सेवा केंद्र आते हैं जो कि UIDAI की तरफ से रन किए जाते हैं, और दूसरे वो आधार सेंटर आते हैं जो कि रजिस्ट्रार की तरफ से रन किए जाते हैं। तो UIDAI की तरफ से जो आधार सेवा केंद्र रन किए जाते हैं वो सिर्फ बड़ी सिटीज में ही आपको मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आगरा से हूँ तो यहाँ पर देखिए आगरा का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर मैं आगरा को सिलेक्ट कर लूंगा। लेकिन मैं आगरा के अलावा किसी दूसरी सिटी से हूँ और वो सिटी यहाँ पर इस लिस्ट में नहीं है, तो तब आप इसको छोड़ देंगे। इसके बाद आप यहाँ से ये दूसरे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट, इस पर ओके करेंगे। अपॉइंटमेंट बुक करने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है, चाहे आपका आधार सेवा केंद्र जो है UIDAI की तरफ से रन किया जाता हो या चाहे फिर रजिस्ट्रार की तरफ से रन किया जाता हो। यहाँ पर रेजिडेंट टाइप सिलेक्ट कर लेंगे, अगर आप इंडियन रेजिडेंट है तो यहाँ पर इंडियन रेजिडेंट सिलेक्ट रखेंगे, नॉन रेजिडेंट इंडियन है तो यहाँ पर ये दूसरे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर लॉगिन के लिए मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी आपको देनी होगी, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट रखेंगे मोबाइल नंबर। यहाँ पर अपना रिसेंट मोबाइल नंबर डालेंगे, जो भी मोबाइल नंबर आप चला रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर ये कैप्चा फिल करेंगे, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी डालने के बाद सबमिट करेंगे। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, न्यू इनरोलमेंट या फिर अपडेट आधार। अगर आप नया आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आप ये न्यू इनरोलमेंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, और आधार कार्ड में कुछ अपडेट करवाना चाहते हैं तो आप ये दूसरे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर वेरिफिकेशन टाइप सिलेक्ट करेंगे, अगर आप डॉक्यूमेंट बेस्ड अपडेट करवाना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट बेस्ड अपडेट सिलेक्ट रखेंगे, और अगर गार्जियन रिलेशन प्रूफ बेस्ड अपडेट करवाना है तो यहाँ पर ये दूसरे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर नेम फिल करेंगे, यहाँ पर अपना आधार नंबर, यहाँ पर रेसिडेंट टाइप सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है जो भी आप अपने आधार कार्ड में अपडेट करवाना चाहते हैं। यहाँ पर आपको सभी ऑप्शंस मिल जाते हैं जैसे कि नेम, ईमेल आईडी, जेंडर, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, बायोमेट्रिक और मोबाइल नंबर। तो आप अपने आधार कार्ड में जो भी अपडेट करवाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं नेम। इसके बाद प्रोसीड करेंगे, अब यहाँ पर अपनी करेंट डिटेल्स फिल करेंगे, जैसे कि हम नेम अपडेट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर जो न्यू नेम है वो एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे, इनमें से आपको कोई भी एक डॉक्यूमेंट देना होगा नेम करेक्शन के लिए। तो यहाँ नेम करेक्शन के लिए देखिए काफी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि पासपोर्ट हम दे सकते हैं, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जैसे कि हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं पासपोर्ट। इसके बाद सेव एंड प्रोसीड करेंगे। योर एप्लीकेशन हैज बीन क्रिएटेड, हमारा एप्लीकेशन क्रिएट हो चुका है, यहाँ पर अपॉइंटमेंट आईडी भी आ चुकी है। इसके बाद आपको जो है अपने नजदीक में एनरोलमेंट सेंटर देखना है और वहाँ का टाइम स्लॉट चेक करना है, तो यहाँ बुक अपॉइंटमेंट, इस पर ओके करेंगे। अब यहाँ पर आपको आधार सेंटर सर्च करने के तीन ऑप्शन मिलेंगे, आप डायरेक्ट आधार सेंटर के नेम से भी सर्च कर सकते हैं, पिन कोड से सर्च कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पोस्ट ऑफिस और विलेज, टाउन, सिटी का नेम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद गेट डिटेल्स करेंगे, तो आपके इस एड्रेस पर जितने भी आधार सेंटर चल रहे होंगे उन सभी की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर जैसे कि हम पिन कोड से सर्च करने वाले हैं, यहाँ पर हम पिन कोड फिल करेंगे। इसके बाद गेट डिटेल्स, इस पर ओके करेंगे। तो यहाँ पर आधार सेंटर का कंप्लीट एड्रेस आ चुका है, यहाँ पर स्लॉट्स देख सकते हैं आप कितने अवेलेबल है। तो अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए यहाँ बुक अपॉइंटमेंट, इस पर ओके करेंगे। यहाँ पर कैलेंडर से आपको डेट चूज कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर टाइम सिलेक्ट करेंगे जिस टाइम का भी आप स्लॉट बुक करना चाहते हैं, यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे 12 PM। इसके बाद सबमिट करेंगे, यहाँ पर पेमेंट की डिटेल्स आ जाएगी, आपको 50 rupees पे करने हैं जो कि आपको आधार सेंटर पे ही पे करने होंगे, कंफर्म करेंगे। तो फाइनली हमारा अपॉइंटमेंट बुक हो चुका है, और यहाँ पर जो है अपॉइंटमेंट की एक स्लिप जनरेट हो चुकी है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप इसको प्रिंट भी निकाल सकते हैं। इस स्लिप में आपकी कंप्लीट डिटेल्स होगी, जैसे कि आपकी अपॉइंटमेंट आईडी, आधार सेंटर का कंप्लीट एड्रेस, यहाँ पर अपॉइंटमेंट डेट, यहाँ पर आप अमाउंट देख सकते हैं 50 rupees जो कि आपको आधार सेंटर पर ही पे करने होंगे। यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, इसमें हमने पासपोर्ट सिलेक्ट किया था प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में, तो आप जो भी करेक्शन कर रहे हैं और उस करेक्शन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट आप सिलेक्ट करेंगे वही डॉक्यूमेंट आपको जो है लेकर जाना है। आप जिस डेट में भी जिस टाइम का भी स्लॉट बुक करेंगे उसी डेट में आपको अपने टाइम से 15 मिनट पहले अपने आधार सेंटर में विजिट करना है, वहां पर आपके पहले सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। तो एक तो आपको अपनी इस अपॉइंटमेंट स्लिप को लेके जाना है, साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और अपना आधार कार्ड, सिर्फ आपको ये तीन चीजें ही लेकर जानी है। जो भी आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो आपको ओरिजिनल कैरी करना है, और अपना आधार कार्ड भी ओरिजिनल लेकर जाना है। तो वहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स को पहले वेरीफाई किया जाएगा, इसके बाद फिर आपका बायोमेट्रिक होगा और आपके आधार कार्ड में करेक्शन कर दिया जाएगा। इसी अपॉइंटमेंट स्लिप के आप सेकंड पेज पर यहाँ पर डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी देख सकते हैं, जैसे कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट वैलिड हैं उन सभी डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहाँ पर दी गई है, इसमें आपके टोटल 32 डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं। प्रूफ ऑफ एड्रेस, इसके लिए टोटल 45 डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं, और प्रूफ ऑफ DOB प्रूफ के लिए टोटल 15 डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं। तो आप इसी PDF में चेक भी कर सकते हैं कि कौन से करेक्शन के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट वैलिड है।
सो ये कंप्लीट वीडियो है। इस तरह से आप जो है अब अपने आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन करवा सकते हैं। यही सिर्फ एक जेन्युइन प्रोसेस है, इसके अलावा कोई भी दूसरा प्रोसेस नहीं है। कुछ टाइम पहले तक जो है आप ऑनलाइन ही करेक्शन कर सकते थे, लेकिन उस प्रोसेस को UIDAI की तरफ से जो है अभी बंद कर दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इन फ्यूचर अगर कभी ऑनलाइन फिर से करेक्शन स्टार्ट किया गया तो आपको जो है टेलीग्राम पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले पता चल जाएगा। तो इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें।